भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री विजय जी गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी मल्होत्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास जी नकवी, राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुश्री आरती मेहरा, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री वाणी त्रिपाठी और यहाँ के सह प्रभारी श्री रामेश्वर जी चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, विजयन जी पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। विजयन जी, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि आज यहां पर दिल्ली की जनता का इतना बड़ा हुजूम मुझे देखने का अवसर प्राप्त होगा। और बहनों भाइयों, जितनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, आप सभी ने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक बार शीश झुकाकर दिल्लीवासी सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने सारे देश भर में इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों का इतना बड़ा हुजूम कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए इकट्ठा हुआ है, बहनों भाइयों, ऐसे ही हुजूम हिंदुस्तान के कोने कोने में इकट्ठा हुआ है। और लोगों का यही कहना है, बहुत हो चुका, अब यह कांग्रेस की सरकार जानी चाहिए और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस को हुकूमत करते हुए 8.5 वर्षों का समय गुजर गया, वैसे आजादी हासिल किए हुए 65 वर्षों का समय गुजर गया। इन 65 वर्षों में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मैं दुनिया के छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिन्होंने उसी समय आजादी हासिल की जिस समय हम लोगों ने आजादी हासिल की। आज वह दुनिया के धनवान देशों की कतार में खड़े हैं, वह दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़े हैं। ऐ सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, आपसे देश की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है, क्या कारण है 15 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ की जनसंख्या के दुनिया के कई देश 15-20 वर्षों में दुनिया के धनवान देशों की कतार में खड़े हो गए, लेकिन 100 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का हमारा यह भारत तुम्हारी 50-55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में क्यों नहीं खड़ा हो पाया? देश की जनता तुमसे इस सवाल का जवाब चाहती है। बहनों भाइयों, इनके सामने इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। 8.5 वर्षों से इनकी हुकूमत फिर से चल रही है भारत की राजधानी दिल्ली में। जब से यह हुकूमत आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है, हर चीज की कीमत बढ़ी है। मैं दाल, चावल, नमक, इन सब सारी चीजों की अलग अलग जाकर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछूं, क्या कोई ऐसी चीज है कि कांग्रेस के हुकूमत में उसकी कीमत बढ़ी ना हो बल्कि कीमत घटी हो? तो आप यह बतला सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत इस हुकूमत में बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है? काहे कि बिल्कुल सही कहा, इस कांग्रेस की हुकूमत में हर चीज की कीमत बढ़ी है। कीमत यदि घटी है तो आम इंसान के जिंदगी की कीमत घटी है। बहनों भाइयों, हर चीज की कीमत बढ़ी है। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहां पर किसान
और गरीब भी हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं। ऐ मेरे किसान भाइयों, ऐ मेरे गरीब भाइयों, यदि आज आप गरीब हो और ऐ मेरे नौजवानों, यदि आज तुम बेरोजगार हो, अपनी बदकिस्मती से तुम गरीब और बेरोजगार नहीं हो। इस आजाद हिंदुस्तान में तुमको गरीब और बेरोजगार बनाने का काम किया है तो कांग्रेस की हुकूमत ने तुमको गरीब और बेरोजगार बनाने का काम किया है, क्योंकि लंबे समय तक हुकूमत उन्हीं लोगों ने चलाई है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। और उस कांग्रेस में भी एक ही परिवार के लोगों ने लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, और आज भी वह हाथ फैलाकर और बड़ी दमदारी से यह दावा करते हैं लोगों से कि आप हमें वोट दीजिए, हम इस हिंदुस्तान की तकदीर बनाएंगे। क्या तमाशा हो गया है? क्या हिंदुस्तान की जनता के साथ इस प्रकार का क्रूर मजाक करने का सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, आपको किसने अधिकार दे दिया है? अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया है। आज मैं यही कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान संकट के दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान को यदि कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान की जनता बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता है। एकजुट होकर खड़े हो जाइए। किसान यहां मौजूद है, एक तो किसानों को उनके उपज की उचित कीमत नहीं मिल रही है, अब उसके अलावा खाद की कीमत बढ़ गई, पानी की कीमत बढ़ गई, कीटनाशक दवाओं की कीमत बढ़ गई, और यूरिया खाद के बारे में कहें तो यूरिया खाद की कीमत 1400 रुपया बैगेज हो गई है, और वह भी अब ब्लैक में मिलती है। क्यों ऐसा हो गया? हम लोगों ने भी इसे हिंदुस्तान में हुकूमत चलाई है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां से लेकर वहां तक जो खड़े हैं, बहनों भाइयों, मेरी कोई बात गलत हो तो हाथ उठा देना, मैं आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। यदि राजनीति करना चाहता हूं तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं राजनीति करना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है? कौन मां का लाल इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की अर्थव्यवस्था की साख को बढ़ाने में करिश्माई काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। 6 वर्षों तक हम लोगों ने हुकूमत चलाई, आपके हुकूमत में क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए? भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री उस समय यह कहने को मजबूर हो गया था कि अरे हिंदुस्तान में ऐसे ही सर भाजपा की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2015-2020 आते आते भारत यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। भ्रष्टाचार के जितने आरोप इस कांग्रेस की सरकार पर लगे हैं, आजाद भारत के इतिहास में बहनों भाइयों किसी भी हुकूमत पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। सारे भ्रष्टाचारों की मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ 2G स्पेक्ट्रम के मामले में, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए था, उसमें भी इस सरकार ने आनाकानी की और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है कि 2G स्पेक्ट्रम में कहां 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, कैसे यह CAG ने कह दिया है यह बात, इसका भी खुलासा होकर रहेगा। हम लोगों से पहले यदि कोई खुलासा करेगा तो इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगी। बहनों भाइयों, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा उठी है, वित्तीय घाटा जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं निरंतर बढ़ती जा रही है, चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट यह भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे लगता है कांग्रेस आमादा है कि हम इस देश को आर्थिक दृष्टि से दिवालिया बना देंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चालू खाते के घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात कह रहा हूं, आजाद भारत में करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री यदि कभी भारत रहा है तो
तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में ही करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री यह भारत रहा। इसीलिए मैं कहता हूं बहनों भाइयों की देश को बचा लो। अब ये कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे खजाने में पैसा नहीं है, अब यह विदेशों से पैसा मंगवाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अब देशी हथियार काम नहीं कर रहा है, अब विदेशी हथियार का यह सहारा ले रहे हैं, दुनिया के सामने यह हाथ फैला रहे हैं। आओ हमारे यहां विदेशी पूंजी निवेश करो, एफडीआई की स्वीकृति यह दे रहे हैं। जबकि संसद में खड़े होकर इन्होंने कहा था जब तक कि सारे स्टेक होल्डर्स यानी व्यापारी, किसान, मुख्यमंत्री, सारी राज्य सरकारें इनको विश्वास में नहीं ले लिया जाएगा तब तक एफडीआई की यानी विदेशी पूंजी निवेश की हिंदुस्तान में इजाजत नहीं दी जाएगी। संसद में आश्वासन देने के बाद भी बहनों भाइयों इन्होंने अपने वादे को तोड़ा है।